हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा टाइम एंड वर्क टॉपिक चल रहा है, तो उसी टॉपिक को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ। इसमें मैं बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप सभी को करवाने वाला हूँ, तो आप सभी लोग बिल्कुल रेडी रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ में अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए आइए शुरू करते हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन आपके सामने, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 4:1, ठीक है? तो कहता है ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द हाफ ऑफ द वर्क इन 4 डेज, ठीक है? आगे कहता है इफ दे गॉट द टोटल वेजेस और ₹5,400 देन व्हाट इज द वेजेस ऑफ सी, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस चीज को आपको समझना है। सबसे पहले चीज उनने दे रखी है बेटा कि जो ए है हमारा, वो कहता है किसी भी काम को 15 डेज में पूरा करता है, क्लियर है? आगे कहता है द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी 4:1। ए और बी की जो एफिशिएंसी का रेशियो बेटा वह 4:1 है। और आप सभी को मैंने कई बार ये बात एक्सप्लेन की है। फर्स्ट पार्ट में मैं बहुत ही डिटेल में ये बात आपको बोल चुका हूँ कि किसी भी पर्सन की अगर एफिशिएंसी ज्यादा है तो उसे टाइम कम लगेगा, किसी भी पर्सन की एफिशिएंसी कम है तो उसे टाइम ज्यादा लगेगा। मींस एफिशिएंसी एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये कई बार मैं आपसे बोल चुका हूँ बेटा कि एफिशिएंसी एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या था बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब था अपोजिट, ठीक है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए आप सभी लोग कि एफिशिएंसी एंड टाइम एक दूसरे के उल्टा होते हैं, अपोजिट होते हैं। किसी की एफिशिएंसी ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, है ना? एफिशिएंसी कम है तो टाइम ज्यादा लगे। तो यहाँ पर देखिए एफिशिएंसी का रेशियो 4:1, तो टाइम का जस्ट उल्टा हो जाएगा 1:4। चूंकि एक ही टाइमिंग आपको पता है ए 15 डेज में करता है, तो यहाँ पर एक ही टाइमिंग वन पार्ट है रेशियो में, तो वन पार्ट की वैल्यू 15 डेज है, तो फोर पार्ट की कितना हो जाएगी, 15 × 4 = 60 डेज, क्लियर? तो यहां से बी का निकल कर आ गया कि बी उसी वर्क को कितने दिनों में पूरा करेगा, 60 डेज में करेगा, क्लियर? आगे कहता है ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द हाफ ऑफ द वर्क इन 4 डेज। आधा काम अगर 4 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में, सिंपल है। तो ए बी और सी मिलकर के पूरा वर्क करेंगे 8 डेज में, क्योंकि हाफ वर्क 4 डेज है। तो यहां से इन तीनों का एलसीएम लेंगे और एलसीएम 60 आएगा क्या? नहीं। क्या आएगा? 68 से कटता है क्या? नहीं। 60 का डबल कीजिए 120, 120 15 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, तो आ जाएगा 120 आपका एलसीएम। और जो एलसीएम होता है उसी को हम क्या एज्यूम करते हैं, टोटल वर्क एज्यूम करते हैं, क्लियर है ना? तो हमारा एलसीएम ही टोटल वर्क है। तो ए 15 डेज में अगर किसी काम को पूरा करता है तो पूरा काम क्या है, यहाँ पर 120 है ना, मतलब 15 डेज में 120 वर्क, तो एक दिन में कितना करेगा, 8, 15 से डिवाइड कर दिया। 60 डेज में पूरा काम, तो वन डे में कितना करेगा, 2 डिवाइड कर दिया इसका 60 से 120 में। 8 डेज में पूरा काम एबीसी मिलकर करते हैं, तो 8 से डिवाइड करें कितना आएगा, 15 आएगा। ये जो हम लाइन के ऊपर लिखते हैं दैट इज कॉल्ड 1 डेज वर्क। ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, अब तक तो इस पे हम 3 वीडियो बना चुके हैं, है ना? बेसिक लेवल पर तो आप समझदार है बेटा, आपको बहुत ही आसानी से बात पता चल गई होगी। तो यहां पर अगर हम गौर से देखेंगे तो आप देखिए ए जो है एक दिन में 8 काम करता है, बी 1 डे में 2 वर्क करता है, और ए बी सी टुगेदर मिलकर के उसी 1 डे में 15 काम करते हैं। तो अगर ए बी सी 15 है, जिसमें से ए और बी मिलकर 8 और 2 10 ही है, तो बचा हुआ 5 किसका होगा, सी का होगा ना। मीन्स ए बी सी से ए और बी को अगर मैं माइनस कर दूं बेटा, ए बी सी से अगर मैं ए और बी को माइनस कर दूंगा क्या निकलेगा, सी निकलेगा ना। तो एबीसी का 1 डे का वर्क 15 है, ए और बी का 1 डे का कितना है, 8 और 2 10 है। ऐसे मत करना, मैं क्यों कर रहा हूँ, समझाने के लिए कर रहा हूँ आपसे। मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ बेटा, ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओरल किया जा सकता है ना कि यार 8 2 10 है ए और बी का, एबीसी का 15 है, 15 से 10 गया 5, सी का 1 डे का 5 है, तो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको तकलीफ ना हो, आपको आसानी से समझ में आए, फिर आप खुद भी ओरल करना सीख ही जाएंगे। तो 15 से 10 गया 5, ये क्या हो जाएगा, सी का 1 डे वर्क है। सी का क्या है, एक दिन का काम है, 1 डेज वर्क है, ठीक है? अब सवाल में आपका क्वेश्चन है कि इफ दे गॉट रुपीज टोटल 5,400, टोटल वेजेस जो है तीनों को मिलाकर के 5,400 है,
व्हाट इज द वेजेस ऑफ सी। जैसा कि आपको मैंने कहा था लास्ट क्लास में बेटा कि किसी भी पर्सन को जो वेजेस होता है, मजदूरी होता है, उसके पर डे के वर्क के हिसाब से मिलता है। कैसे मिलता है बेटा? पर डे, ये पर का सिंबल है, पर डे वर्क के हिसाब से मिलता है। मतलब कोई एक दिन में कितना काम करता है उसी हिसाब से उसको वेजेस या मजदूरी दी जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? तो यहाँ पर देखिए, ए जो है एक दिन में 8 कर रहा है, बी एक दिन में 2 कर रहा है, और सी जो है वो वन डे में कितना कर रहा है, 5 कर रहा है। तो हम कर सकते हैं, इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए। ए वन डे में 8 कर रहा है, ए बी एंड सी की बात करें तो ए वन डे में 8 कर रहा है, बी वन डे में 2 कर रहा है, और सी उसी वन डे में कितना कर रहा है, यहाँ से 5 कर रहा है। तो हम टोटल पैसे के 8, 2, 10 और 5, 15 पार्ट करेंगे। तो 5400 के मैंने 15 पार्ट कर दिया, तो 15 इक्वल पार्ट करेंगे, 15 से डिवाइड कीजिए तो 1 पार्ट की वैल्यू आएगी। मुझे सी का चाहिए तो मैं आपसे कहता हूँ 15 का डिवाइड मत करो, क्योंकि 15 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, फिर इंटू 5 करोगे। मैं कहता हूँ 3 से डिवाइड करो, क्यों? मुझे 5 पार्ट की वैल्यू चाहिए, 5 पार्ट की चाहिए ना, 15 पार्ट की वैल्यू 5400 है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, ऊपर नीचे ना लिख करके, ताकि आपको समझ में आ जाए। 15 पार्ट की वैल्यू बेटा कितना है, 5400 है। मुझे 5 पार्ट की चाहिए तो मैंने 3 से इसको काट दिया, तो 3, 5 या 15, 3 से 18 किया 54 होता, तो 1800 आ जाएगा। तो सी की जो वेजेस होगी वह 1800 रुपए होगी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है? होपफुली सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ये 15 लिखा मैंने, डोंट कंफ्यूज, ये मेरा 15 है। क्लियर है? 15 पार्ट की वैल्यू 5400 कहां से आया, इन तीनों का समेशन। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। होपफुली सभी को समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन सेकंड, देखिए जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन सेकंड। ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 11 1/13 डेज, एंड सी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क इन 48 डेज इफ द एफिशिएंसी ऑफ ए 50% मोर देन बी, इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। अब सबसे पहली चीज क्या है, आप सबको पता है बेटा कि ए बी सी जो है वे किसी भी काम को 11 1/13, इस 11 1/13 का मीनिंग क्या है आपको पता है, इसको हम फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 13 का 11 में मल्टीप्लाई, 13 एक कम 13 और 14 143 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 144/13। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ए बी सी जो है 144/13 डेज में किसी भी काम को पूरा करेंगे। क्लियर? आगे कहता है सी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क इन 48 डेज, जिसमें से सी जो है हमारा वह किसी भी काम को 48 डेज में पूरा करता है। क्लियर है? अब कहता है इफिशियंसी ऑफ ए 50% मोर देन बी। तो अगर मैं ए और बी का हिसाब बनाऊं कि ए एंड बी जो है इफिशियंसी की अगर हम बात करें बेटा, तो ए क्या है 50% मोर देन बी है, मतलब बी अगर 100 है तो ए क्या होगा 150 होगा। इफिशियंसी की बात करें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 5 2 जा, मतलब मैं कह सकता हूँ इफिशियंसी का रेशियो है 3:2, तो टाइमिंग का हो जाएगा 2:3। क्लियर है? अब इम्पोर्टेंट क्या है चीज को आपको समझना है, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या महसूस करना, क्या चीजें लेनी है। तो कहता है इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी टूगेदर कैन कम्प्लीट द वर्क, ए एंड सी का कैलकुलेट करना। तो सबसे पहला काम हम इन दोनों नंबर के एलसीएम निकाल करके टोटल वर्क एज्यूम करेंगे, ठीक है। 144 आपको मैंने कई बार बात सिखाई है बेटा कि अगर डिनोमिनेटर, जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर 13 लिखा है, ये 13 है, डोंट बी कंफ्यूज, ये आपका 13 था। तो मैंने आपसे कहा है बेटा, कई बार बात बोली है कि अगर टाइम एंड वर्क में कभी भी डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो तो एलसीएम लेते समय उस चीज को दिमाग में रखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी देखो आप 48 × 3 करो तो आपका 144 आएगा। 48 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 8 है ना, 3 8 24, 3 4 12 तो 14 आएगा, 144 आ जाएगा। इट मीन्स 144
ऑलरेडी जब 48 से कट रहा है तो 144 हमारा एलसीएम होगा। मैंने आपसे कहा था बेटा कि वैसे फ्रैक्शन वाले नंबर के एलसीएम निकालने का एक अलग ही तरीका होता है, बट टाइम एंड वर्क में हम उस मेथड का यूज नहीं करेंगे। टाइम एंड वर्क में हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर से मतलब ही नहीं रखना है, न्यूमरेटर में जो भी है उसी का एलसीएम लेना। तो हमने मान लिया कि 144 जो हमारा एलसीएम आया दैट इज अ टोटल वर्क, और अगर एबीसी 144 वर्क को 144 अपॉन 13 डेज में पूरा कर दें तो एक दिन में कितना करेंगे इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो 144 वर्क में किसका 144 अपॉन 13 का, तो अपॉन का 13 ऊपर चला गया, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो यहीं से शॉर्टकट मैंने सिखाया था, पिछली वीडियो में भी ये बात सिखाई थी कि इसका डिवाइड करिए और जो आएगा उसमें इसका मल्टीप्लाई करिए, 144 से 144 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 इंटू 13 13 ही रहेगा, क्लियर। 48 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स था, अभी अभी आपने देखा तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो इस तरीके से एबीसी मिल करके ये वन डे का वर्क है, ये एक दिन का काम है सभी को पता है, तो एबीसी मिल करके वन डे में करते हैं 13 वर्क जिसमें से सी करता है 3, तो ए और बी का टुगेदर आ जाएगा कितना बेटा 10। यहाँ पर हमने देखा कि 3 और 2 है ये 5 ही बन रहा है, हमें 10 चाहिए तो हमने पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अभी हमको टाइम की बिल्कुल जरूरत नहीं तो टाइम को हटा देते हैं, ठीक है। चलिए तो हमने तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6, 2 2 4, 6 and 4 10 आ गया, आया कि नहीं आया। तो अब हम कह सकते हैं कि ए जो है एक दिन में 6 करता है जिसमें से, और बी जो है एक दिन में कितना करता है 4, और सी का वन डे का तो 3 है ही है। तो इस तरीके से हमको तीनों का ही वन डे का वर्क मिल गया। मैंने आपको कई बार बात एक्सप्लेन की बेटा कि हमेशा आपको पहले वन डे का वर्क कैलकुलेट करना है, जैसे कोई भी चीज होती है, अगर आपको सामान ही परचेस करना है, मैं आपसे बोलूं कि बताओ 48 केजी मैंगो का प्राइस 6212 रुपीज है तो 18 केजी का क्या होगा, तो आप नहीं निकाल पाएंगे जब तक 1 का कैलकुलेट नहीं करेंगे। इट मींस हमें हमेशा 1 केजी का पता होगा या 1 यूनिट का कोई भी चीज पता है तो फिर हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही हमको हमेशा दिमाग में रखना है टाइम एंड वर्क में भी कि हमें हमेशा क्या करना है, वन डे का वर्क पहले कैलकुलेट करना है कि वन डे में कौन कितना काम कर रहा है, एक दिन में कौन कितना काम कर रहा है, फिर हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए और सी मिलकर के हाउ मेनी डेज ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क, इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क, तो क्या करेंगे ए और सी मिलकर के कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर ए जो है वो वन डे में 6 करता है, सी वन डे में 3 करता है, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे वन डे में बेटा, है ना, 6 + 3 = 9। अगर ए और सी एक दिन में 9 काम करेंगे तो 144 काम करने में, 144 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, तो 144 में 9 का डिवाइड कर देंगे। ये भी मैंने कई बार समझाया कि जो भी काम करवाना है उसमें वन डे के वर्क का डिवाइड करो तो टाइम निकल के आ जाता है। तो देखो डायरेक्टली इसकी टेबल ये है ना, अगर आपको टेबल याद हो तो ठीक है, नहीं है तो देखो 9 1 9 कितना बच गया 5 54 हो जाएगा, तो 9 6 4, है ना। और अगर 16 की टेबल याद हो तो पता ही है कि 16 9 144 होता है ना, 16 9 144, क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 डेज आपका आंसर, क्लियर है। ये सब थोड़ा सा अच्छी लेवल के क्वेश्चन से बेटा, मैंने 3 वीडियो बेसिक लेवल पर बनाए हैं, अब आपका थोड़ा सा मॉडरेट लेवल स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपको इस चीज को समझने के लिए पहले आपको पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है हमारा टाइम एंड वर्क का बेसिक लेवल को जो वीडियोज हैं उनको देखना पड़ेगा, तब ये बहुत अच्छे से क्लियरली आपको समझ में आएगा। होपफुली मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, इसे कॉपी कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डू यू वांट टू ट्राई बेटा, आपका 1 मिनट है, आप ट्राई करके बताइए फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। बिल्कुल सेम है जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, एग्जैक्टली सेम तो नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही है ना, अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो जरूर बनेगा आपसे। देखिए जरा, कहता है ए अलोन, ठीक है, कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज
एंड द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 300% मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ बी। तो यहां से हमको बी का एफिशिएंसी और ए का एफिशिएंसी पता है, तो हम ए की टाइमिंग पता है तो बी का टाइमिंग निकाल सकते हैं। आगे कहता है इफ ए बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज, तो ए बी सी का पता है, ए और बी का पता है, हम सी का निकाल सकते हैं, तो ऑटोमेटिक सारी बातें निकल कर आ जाएंगी। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, ए जो है हमारा वह किसी भी वर्क को 30 डेज में पूरा करता है। इफिशियंसी की अगर हम बात करें तो ए और बी की जो इफिशियंसी है बेटा वह क्या बोलता है, ए 300% मोर देन है इफिशियंसी ऑफ बी। 300% मोर बोला है, सिर्फ 300% नहीं बोला, 300% मोर बोला है। मतलब अगर बी की इफिशियंसी 100 है तो इससे 300%, तो 100 का 300% 300 ही होगा, 300 ज्यादा है, मतलब ए कितना हो जाएगा 400, 400, ये आ जाएगा इफिशियंसी का रेशियो 4:1। अगर इफिशियंसी का रेशियो 4:1 है तो टाइमिंग का रेशियो क्या होगा 1:4, और ए का टाइमिंग ऑलरेडी हमको पता 30 डेज, तो 1 की वैल्यू 30 डेज तो 4 की 120 डेज। तो इस तरीके से बी की टाइमिंग आ गई कि बी उसी वर्क को कितने दिनों में पूरा करेगा, 120 डेज में पूरा करेगा। क्लियर? अब ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज। ए बी सी तीनों मिलकर के 16 डेज में काम को पूरा करते हैं, तो हमको सी का कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला कहानी इन तीनों का एलसीएम, तो क्या 120 16 से कट रहा है? नहीं, 30 से तो कट रहा है लेकिन 16 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 120 को डबल कीजिए 240 कटेगा क्या 16 से? बिल्कुल कटेगा। देखो 16 कितना बच गया 8, तो 16 5 80 होता है, मतलब 240 हमारा एलसीएम आएगा। इसे हमने क्या मान लिया, टोटल वर्क एज्यूम कर लिया। अब अगर ए 30 डेज में 240 करता तो 1 डे में कितना करेगा 8 वर्क, बी 120 डेज में 240 वर्क है ना, तो 1 डे में कितना करेगा डिवाइड कीजिए 2 आ जाएगा। 16 डेज में ए बी सी 240, तो 1 डे में कितना डिवाइड कीजिए है ना, 16 1 जा 16 8 बच गया तो 80, तो 16 5 जा 80। तो देखो जरा एबीसी तीनों मिलकर 1 डे में 15, ये 1 डे का वर्क है, मैं कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ बेटा, जो भी हम लाइन के ऊपर लिखते हैं है ना वो क्या कहलाता है, 1 डेज वर्क। ठीक है, तो जिसमें से ए जो है 18 वर्क करता है 1 डे में, बी उसी 1 डे में 2 वर्क करता है, और एबीसी टुगेदर मिलकर के 15 करते हैं। एबीसी से ए और बी को माइनस करिए सी निकल के आएगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, एबीसी का एक दिन का काम है 15 माइनस ए और बी का 8 और 2 10। क्लियर है? तो ये एबीसी से मैंने क्या किया है, एबीसी से ए और बी को माइनस किया, तो कितना आ जाएगा सी का एक दिन का काम 5 आ जाएगा। सी एक दिन में 5 करता है, ए 8 करता है और बी 2 करता है, सेम कहानी थी। देखो जरा बस क्वेश्चन का डेटा सेम आ गया है, पैटर्न सेम है, सिर्फ डेटा अलग था ना। तो देखो जरा ध्यान से ए बी एंड सी, यहाँ पर ए जो है 1 डे में कितना करता है 8, बी 1 डे में कितना करता है 2, और सी 1 डे में कितना करता है 5। तो 8 2 10 और 5 15 टोटल मजदूरी है, 15 पार्ट 1 डे की, और टोटल वेजेस यहाँ कितना है 27,000, तो 15 पार्ट की वैल्यू 27,000 रुपीज हमें किसका चाहिए, सी का चाहिए, मतलब 5 की वैल्यू चाहिए, 3 से काटिए 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, तो यहां से हम कह सकते हैं कि सी की मजदूरी कितनी है 9,000 रुपीज है। क्लियर है? कॉपी कीजिए इसको। चलिए कॉपी हो गया, नाउ ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन 4। क्या कह रहा है, ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन एक्स डेज, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन एक्स माइनस 4 डेज, इफिशियंसी ऑफ ए इज डबल ऑफ इफिशियंसी ऑफ बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताना। ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी है। अभी आप देखो, ऐसा क्वेश्चन देख करके आप घबरा जाते हैं। आप सबको ही पता है कि भैया कोई भी पर्सन, यहां पर देखो, यहां पर क्या बोलो, उसने एफिशिएंसी ऑफ ए इज डबल ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ बी। अगर मैं ए और बी की एफिशिएंसी की बात करूं तो ए की जो एफिशिएंसी है वो डबल है किससे, बी से। मतलब बी अगर एक दिन में एक काम करेगा तो ए दो काम करेगा। और मैंने आपको कई बार ये बात बोली बेटा, जिनको नहीं पता वो दिमाग में सेट कर लें कि एफिशिएंसी इज वन डेज वर्क। किसी भी व्यक्ति की जो एफिशिएंसी होती है उसका एक दिन का काम होता है, एफिशिएंसी कॉल्ड वन डेज वर्क। दिमाग में इस बात को सेव कर लीजिए कि किसी भी पर्सन की जो एफिशिएंसी होती है वह उसका एक दिन का काम होता है। अगर एफिशिएंसी उसका वन डे का वर्क होता है बेटा, तो यहां से हम कह सकते हैं कि एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है। तो एफिशिएंसी मीन्स वन डेज वर्क, मतलब ए एक दिन में दो काम करता है, बी उसी एक दिन में वन वर्क करता है। तो कहता है ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन एक्स डेज। अगर एक्स डेज में काम को पूरा करता है जिसमें से एक दिन में दो काम करता है, तो एक्स डेज में कितना करेगा, 2x वर्क। तो यहाँ से टोटल वर्क निकल कर आएगा, है ना, क्या हो जाएगा, एक्स डेज में ए ने काम को पूरा किया है, ए एक दिन में करता है दो काम, तो एक्स डेज में करेगा 2x। काम तो वही है इसीलिए ये इक्वल हो जाएगा। इसी काम को हम बी से करवा रहे हैं तो बी एक दिन में करता है वन वर्क, और टाइम कितना लेता है, x-4 डेज। बी जो है कहता है कि ए एंड बी, सॉरी ए एंड बी था, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन x-4 डेज। तो ए और बी मिलकर के कितना काम कर रहे हैं बेटा, एक दिन में तीन काम। अगर एक दिन में तीन काम कर रहे हैं तो x-4 डेज में कितना करेंगे, 3 x-4 करेंगे करेंगे, ठीक। तो काम तो वही है ना, उसी को हम अकेले ए से करवाएं, उसी को हम बी से करवाएं, या उसी को हम ए और बी को टुगेदर साथ में मिलाकर के करवाएं, बात तो वही है ना, काम तो वही है। तो यहां पर जब ए अकेला करता है तो ए एक दिन में दो काम कर सकता है, तो एक्स दिनों में उसने कितना किया होगा, 2x। तो हमारा टोटल वर्क आ गया। अब इसी काम को अगर हम ए और बी से करवाएंगे तो ए और बी मिलकर के वन डे में कितना करेंगे, 3 वर्क। और x-4 डेज में उन्होंने काम को कंप्लीट किया है, तो एक दिन में अगर तीन काम, तो x-4 डेज में कितना करेंगे, 3 x-4 वर्क। ये आपस में इक्वल होगा, तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए 3 का अंदर, 3x-12, और इधर 2x सही है। इस 2x को उधर ले जाइए क्योंकि 3x बड़ा है, तो 3x से 2x गया x, ये 12 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू 12 आ गई, यही हमारा आंसर है। तो बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, और इतना दिमाग ऊपर वाले ने सभी को दिया, बस प्रैक्टिस की जरूरत है बेटा। क्लियर है, कॉपी कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, देखिए जरा क्या बोल रहा है। कहता है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 13 डेज, ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन 39 डेज। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन स्टार्ट द वर्क आफ्टर 6 डेज, ए लेफ्ट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, बी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ये तो बहुत इजी है, ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन को मैंने लास्ट वीडियो में भी कराया है, लास्ट क्लासेस में भी कराई है कि नहीं। तो देखो जरा क्या बोलता है, ए और बी मिलकर के किसी भी वर्क को करते हैं 13 डेज में पूरा, क्लियर। जिसमें से ए अलोन जो है 39 डेज में पूरा करता है, तो जिसमें से ए अलोन जो है उसी वर्क को 39 डेज में पूरा कर सकता है, तो सबसे पहला काम इनका एलसीएम, और 39 ऑलरेडी 13 से डिवाइड हो रहा है, तो 39 ही हमारा एलसीएम आएगा, और जो एलसीएम होता है उसी को हम क्या एज्यूम करते हैं, टोटल वर्क एज्यूम करते हैं। अब तक तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, नींद में भी याद हो गया होगा। तो अगर ए और बी मिलकर के 13 डेज में पूरा काम करते, पूरा काम इन द सेंस यहाँ पर हमने पूरा काम क्या एज्यूम किया, 39 ना टोटल वर्क, तो 13 डेज में 39 काम, तो वन डे में कितना डिवाइड कीजिए, 3 आ जाएगा। ये 39 डेज में 39 वर्क, तो वन डे में कितना, 1 आएगा, डिवाइड किया तो ये जो हम लाइन के ऊपर लिखते हैं दैट इज कॉल्ड वन डेज वर्क। कई बार मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये बात। तो ए और बी मिलकर एक दिन में तीन काम, जिसमें से ए अकेला एक काम, तो बी का कितना आएगा, बी का आ जाएगा, ए और बी से अगर मैं ए को माइनस कर दूंगा तो बी का बचेगा ना, तो ए और बी मिलकर के तीन काम, जिसमें से ए एक दिन में एक काम, तो बचा कितना, दो काम, बी एक दिन में दो काम कर रहा है,
और ए एक दिन में एक काम कर रहा है, कहता है कि ए एंड बी टुगेदर कैन स्टार्ट द वर्क आफ्टर 6 डेज ए लेफ्ट द वर्क। तो भैया 6 दिन के बाद काम करना छोड़ा है ना इन्हें, 6 डेज तो दोनों ने मिलकर काम किया है, तो ए और बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम ए और बी ने मिल करके 6 डेज तक काम किया है, इस बात को समझिएगा। तो ए और बी 1 डे में कितना कर रहे हैं, 3 वर्क, तो 6 डेज में इन्हें कितना किया होगा, ये आ जाएगा 3 वर्क। कितना काम हो गया है और अब जो है ए ने काम करना बंद कर दिया है, ए ने काम को छोड़ दिया है, क्लियर। तो जो रिमेनिंग वर्क है कितना बचेगा, रिमेनिंग वर्क बेटा 39 से 3 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 9 से 8 गया 1, 3 से 1 गया 2, 21 जो वर्क है ये है हमारा रिमेनिंग, रिमेनिंग वर्क शॉर्ट में RW लिख दिया। अब इस काम को कौन पूरा करेगा, बी करेगा। तो क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मेनी डेज कैन बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो बी की कैपेसिटी क्या है, बी 1 डे में कितना कर सकता है, 2, ये बी का 1 डे का वर्क है कि नहीं। तो बी एक दिन में अगर 2 काम करता है तो 21 काम करने में कितना वक्त लगेगा, 21 काम करने में उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 10 जा 20, क्लियर है, समझ में आ रही बात, 2 10 जा 20 1 बच गया, तो 1/2 मतलब 10.5 दिनों में बी काम को पूरा करेगा। तो यहाँ 10.5 ऑप्शन है क्या, नहीं, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। अगर अप्रोक्स बोला होता तो हम कह सकते थे कि 11 दिन लगेंगे, अदरवाइज हम नन ऑफ दीज ही टिक करेंगे, क्लियर है। घबराया मत करिए कि नन ऑफ दीज आ गया तो क्या ही करें, नन ऑफ दीज आ गया तो कुछ नहीं करना, नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन ही होता है, डोंट वरी, क्लियर। कॉपी कीजिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, देखिए जरा क्या कहता है, क्वेश्चन 6 कहता है बेटा, 4 men and 6 women टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज एंड 6 men and 4 women डू द सेम वर्क इन 4 डेज, इन हाउ मेनी डेज 4 men and 2 women टुगेदर कंप्लीट द वर्क। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं बेटा, 4 से 5 मेथड हैं, मैं आपको 2 मेथड सिखाऊंगा, जो भी आपको अच्छा लगे अपना लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना बेटा, पहले मैं मेथड फर्स्ट की बात करता हूँ, मेथड फर्स्ट क्या है ध्यान से सुनना, कहता है कि 4 men and 6 women टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज, तो 4 men M for men and 6 women W for women कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज। तो जो वर्क हमारा है कितने दिनों में पूरा हो रहा है, 5 डेज में, चूंकि काम वही है इसलिए इक्वल कर देंगे, उसी काम को अगर हम 6 मेन से करा रहे हैं, 6 मेन से और साथ में 4 वुमेन से करा रहे हैं, तो 6 men plus 4 वुमेन इसको कितने दिनों में कर रही हैं, 4 डेज में, तो ये इक्वल हो जाएगा 4 के, क्लियर। जितना भी पर्सन है इनटू टाइम, याद है फॉर्मूला, M1 D1 T1 upon W1 या प्रोडक्शन 1 इक्वल टू M2 D2 T2 upon W2/production 2, ये मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था जिनको भी पता नहीं है, M for man D for days T for time। अब जरूरी नहीं कि मैन ही हो, हमने फॉर्मूले में मैन लिखा क्योंकि मैन लिख करके फॉर्मूला बना दिया गया है, अदरवाइज आप कोई भी ह्यूमन बींग ले सकते हैं, मैन वुमेन चिल्ड्रेन कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग ना। तो यहाँ पर हो गया आदमी या पर्सन कोई भी, और डेज और टाइम क्या है, डेज और टाइम दोनों क्यों लिखा गया है, क्योंकि कई बार बोलते हैं दिन में 8 घंटे काम करते हुए 15 दिनों में काम को पूरा किया है, इट मीन्स टाइम भी दिया होता है, तो टाइम में, हालांकि डेज की काउंटिंग टाइम में ही होती है, बट समटाइम्स बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर आवर्स भी दिया है और दिन भी दिया है तो हम क्या ही करें, तो जितना भी टाइम या फिर वो डे में है, आवर्स में है, मिनट में है, सेकेंड में है, कैसा भी हो ऊपर ही रहेगा, तो ह्यूमन बींग मीन्स पर्सन और टाइम ऊपर रहता है, काम नीचे रहता है, उसी काम को हम दूसरे लोगों से करवा रहे हैं, इसलिए इक्वल करके और ये बराबर करके दूसरे मैन M2 D2 T2 man 2 days 2 time 2 ये work 2 या production 2, क्लियर है। तो इस चीज को आपको समझना है बेटा, तो यहाँ पर मैन और वुमेन था, 5 दिनों में कर रहे हैं, तो देखो पर्सन इंटू टाइम वर्क आ गया, पर्सन इंटू टाइम वर्क आ गया, एक ही काम है तो upon 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो छोड़ दिया, क्लियर, इस बात को दिमाग में रखिएगा। अभी मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में भी सिखाया था, इवन फर्स्ट वीडियो में ये बात आपको सिखाया था मैंने, तो जिन लोगों ने अगर इसका
टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट अब तक नहीं देखा हो प्लीज एक बार जरूर देखे, तब उनको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अभी देखो जरा, 5 का मल्टीप्लाई करिए तो 5 4 20m, 5 6 30w, 6 4 24m और 4 5 16w। क्लियर? तो यहाँ पर m बड़ा है तो इस m को उधर ले जाए तो 24 से 20 गया 4m, इधर w बड़ा है तो इसको इधर लाइए तो 30 से 16 गया 14w। क्लियर है? 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 2 7 जा, मीन्स 2 आदमी 7 औरतों के बराबर है। तो m अपॉन w इक्वल टू हो जाएगा 7/2। क्लियर है? w नीचे आया, 2 इधर गया तो यहाँ नीचे हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एक आदमी एक दिन में 7 काम करता है और एक वुमेन एक दिन में 2 काम करती है। यह किस चीज का रेशियो आया बेटा? यह इफिशियंसी का रेशियो है। किसका रेशियो है? इफिशियंसी का रेशियो है, रेशियो ऑफ इफिशियंसी आया है। ठीक है? मींस, और इफिशियंसी मींस 1 डेज वर्क, याद रखना, इफिशियंसी मींस 1 डेज वर्क। तो यहाँ पर एक आदमी एक दिन में 7 काम करता है, एक औरत एक दिन में 2 काम करती है। तो अब हम यहाँ से या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं भी एक जगह इनकी वैल्यू पुट करके टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क बराबर आ जाएगा 6 4 men था ना, तो 1 man 7, तो 4 men कितना, 4 men 7 4 28 चलेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं इतना। तो 6 women है तो 1 woman 2, तो 6 women कितना, 6 2 12। क्लियर? और ये कितने दिनों में कर रहे हैं, 5 दिनों में। तो यहाँ से टोटल वर्क आ गया 28 और 12 40, 40 5 200 200 आपका टोटल वर्क आ गया। क्लियर? अब इसी काम को कहता है कि इन हाउ मेनी डेज 4 men and 2 women टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो 4 men, एक आदमी 7 काम करता है, अब हमको 4 men and 2 women से इस काम को करवाना, तो एक आदमी 7 तो 4 आदमी कितना करेंगे, 28, एक औरत 2, 1 woman 2, तो 2 2 जा 4, 2 women कितना करेंगे, 4 वर्क। तो इस तरीके से 28 + 4 = 32 वर्क हमारा एक ही दिन में हो जाएगा, ये 1 डे का वर्क है। तो एक दिन में ही अगर हम 32 काम कर लेते हैं तो 200 काम करने में कितना वक्त लगेगा, तो 200 में 1 डे का वर्क का डिवाइड कर दिया, काट दीजिए इसको आप, है ना, 4 से काट रही है, 8 से जैसा भी इच्छा हो, मैं 4 से काट देता हूँ, 4 8 जा 4 5 जा, अब 2 से काटा 2 4 जा, 2 से काटेंगे 25, तो आ जाएगा 4 6 जा 24, 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे 10, 4 2 जा 8, है ना, फिर से 2 बच गया तो 4 5 जा 26.25 आपका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर? ये था आपका मेथड फर्स्ट, इसे आप कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको मेथड सेकेंड बताता हूँ, ध्यान से सुनना। क्लियर है? कॉपी कीजिए फिर मैं मेथड सेकेंड बताता हूं। चलिए देखिएगा, जो लोग कॉपी नहीं कर पाते हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा। अभी देखो दूसरा जो तरीका बेटा, उसमें यहां तक तो कॉमन रहेगा, यहां तक ठीक है, इसके आगे चेंजेस होगा, ध्यान से सुनना। तो यहां से मैं इसको कह सकता हूं कि 2 men ये बराबर हैं 7 women के। क्लियर है? अब आप सबको ही पता है कि चूंकि ये इक्वल था तो ये आगे भी इक्वल होगा, कहता कि 4 men and 2 women कितने दिनों में करेंगे, तो उसको हमने मान लिया कि एक्स डेज में काम को पूरा करेंगे। क्लियर? ठीक है, ये यहां पर लिखना नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखा कि ये भी आपस में इक्वली होगा। तो अब इन दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए, क्योंकि कंपेयर हमेशा दो में होता है ना, तो इन दोनों में से कोई भी एक लीजिए और फिर इसको ले लीजिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पर देखा 2 men = 7 women है। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ रही है? तो मैंने क्या किया बेटा, इस वाले में पुट कर दिया क्योंकि यहाँ पर 4 आदमी है। क्लियर? अच्छा, मेरी एक और चीज होती है कि आप हमेशा कन्वर्जन उसमें किया करो जो आसान हो, है ना, मींस मैन को वुमेन में या फिर वुमेन को मैन में, किसमें कन्वर्जन करना डिपेंड्स ऑन डेटा गिवेन। तो यहाँ पर 7 का मल्टीपल तो कुछ है ही नहीं, तो मैन ही वुमेन में कन्वर्ट होगा। तो मैं डायरेक्टली क्या कह सकता हूँ, 4 men की जगह पर 2 men अगर 7w के बराबर है तो 4 men किसके बराबर होंगे, 14w होंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 men की जगह पर 14w लिख दिया, तो 14w प्लस 6w कितने w, 20w, डायरेक्ट में लिख दू ना 20w और इंटू 5, ये बराबर होगा जो निकालना है।
तो यहां भी देखो फोर मैन की वैल्यू क्या कर दी मैंने 14W, और प्लस यहां भी हो गया ना फोर मैन की वैल्यू 14W, तो 14 + 6 20W कितने दिनों में कर रहे हैं 5 डेज में, यहां भी 14W हो गया चार मैन की जगह पर, और 14 और 2 16W 16W कितने दिनों में करेंगे एक्स डे में, तो W से W कैंसिल हो जाएगा है ना, 4 4 = 16 4 5 = 20 25 हो जाएगा, 5 × 5 25/4 एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25/4, अभी अभी किया था 25/4 क्या होता है 6 1/4 या 6.25, ये आपको ओरल याद होगा, बहुत ही आसानी से हमने कर दिया। तो मुझे तो लगता है कि ये ज्यादा बेहतर है, हालांकि आप लोग मेथड वन को ही प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा समटाइम्स मेथड वन अच्छा होता है समटाइम्स मेथड टू होता है, इसे हम ओरल कर रहे हैं। देखो जरा आप टोटल वर्क निकालेंगे फिर उसको कैलकुलेट करेंगे, उससे बेहतर है आप आसानी से इसको कर सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है, बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि यही बेहतर है ना, कभी वो बेहतर होगा कभी ये बेहतर, अभी डेटा बहुत आसान है यही बेहतर मुझे दिख रहा है, क्लियर। जो भी आपको अच्छा लगे अपना लीजिए, नो प्रॉब्लम, कॉपी कर लीजिए, और भी बहुत सारे तरीके हैं इसके, लेकिन ये दो बेस्ट मेथड हैं, ठीक है। चलिए हो गया क्या, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। अभी आपको थोड़ी सी तकलीफ आई होगी इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद, आपने सोचा होगा कि सर यहाँ पर हम वर्क कैसे निकालें, टोटल वर्क कैसे कैलकुलेट करें, तो उसका तरीका क्या था बेटा, अगर आप गौर से समझेंगे मेरी बात को, तो उन्होंने क्या बोला है 30 men can complete a work in 35 days, आगे कहता है if x men started the work and worked for 25 days after 25 days 35 men joined them and finishes the remaining work in 10 days. Find the value of x, x की value बताना है, clear है? अब सबसे important क्या है इस चीज को समझना है आपको, कि सबसे पहले हमें जब तक ये नहीं पता होगा कि काम क्या है हमारे पास, हम करवा नहीं पाएंगे, तो हम क्या assume करते हैं, हम assume ये करते हैं कि हमारा अगर वन मैन वन डे में वन ही वर्क करता है, उसकी जो कैपेसिटी है बेटा एक आदमी की वो एक दिन में एक काम करने की है, ठीक है ना, अगर हम ऐसा अज्यूम कर ले तो वन मैन अगर वन डे में वन वर्क करता है तो 30 men 1 day में 30 वर्क करेंगे, सिंपल है, 30 men 1 day में 30 वर्क करेंगे, तो एक आदमी जब एक काम तो 30 आदमी 30 काम, लेकिन ये तो एक ही दिन में 30 काम हो रहा ना 30 आदमियों से, तो ऐसा इनने कितने दिनों में काम को पूरा किया है 35 डेज में, तो यहां से टोटल वर्क हमारा निकल कर आ जाएगा 30 वर्क 30 आदमी एक ही दिन में करते हैं तो 35 दिनों में कितना हो जाएगा है ना 35 × 105, ठीक है, और ये जीरो रहेगा, तो यहां से हमारा टोटल वर्क आ गया 1050। इवन आप इसको मल्टीप्लाई नहीं भी करिए, फैक्टर फॉर्म में लिखा रहने दीजिए तो और बेहतर है ना, मैं समझाने के लिए कई बार आपको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इस बात को दिमाग में रखना है आपको। अब कहता है कि एक्स मैन स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 25 डेज, तो कितने आदमी है तो भी हमको पता ही नहीं ना, तो ये हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें आगे पता चला, क्या पता चला याद रखना, ये मैथ्स से कोई जादू नहीं, जो हमें पता होगा, जैसे मैंने कहा है आपसे कि आप एक दिन में 5 लीटर पानी पी सकते हैं, ठीक है, आप एक दिन में 5 लीटर पानी कंज्यूम कर पाते हैं, तो आपको मैं पूछूं कि बताओ इतने दिनों में कितना पानी पी लोगे, बोले सर कितने दिन, मींस जब तक हमें यही पता नहीं है कि कितने दिन तक हमने पानी को पिया है तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे ना, सेम कहानी यहाँ भी है बेटा, कि जब तक हमें यही नहीं पता है कि एक्स मैन ने काम तो शुरू किया ठीक है, पर उन्होंने 25 डेज काम किया, उस एक्स की वैल्यू क्या है हमको पता ही नहीं, तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो हम कैलकुलेट क्या कर पाएंगे, जो डेटा है, बोले डेटा क्या है, डेटा ये है कि आफ्टर 25 डेज 35 मैन ज्वाइंड देम एंड फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज, तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि 35 आदमी आ गए हैं, सुनना गौर से, उनने 10 दिनों में कितना काम किया,
35 आदमियों ने 10 दिन में कितना काम किया, तो 35 आदमियों ने 10 दिन में कितना काम किया है, इस चीज को अगर हम समझें तो हम ये कह सकते हैं कि एक आदमी अगर एक दिन में एक काम, तो 35 आदमी 35 काम, तो 10 दिनों में 350 किया होगा, तो 350 किया होगा 35 आदमियों ने ना। मैं लिख भी देता हूँ, 35 men 10 days में कितना कर लेंगे, 350 work, क्योंकि एक आदमी एक दिन में एक ही काम, तो 10 दिन में 10 काम, 35 आदमी 350 काम हो गए। तो इस 350 को यहां से माइनस किया तो ये 700 है, ये हमारा आ गया रिमेनिंग वर्क। अब इसको किया है एक्समैन ने, इसको किया है एक्समैन ने, क्लियर है। तो यहां से अब एक्समैन ने कितने दिन तक किया, इस चीज को समझना है। तो यहां पर एक्समैन जो थे, ध्यान देना कि 25 दिन में भी एक्स दिन है, और जब 35 आए तो यह एक्स है ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एक्समैन ने काम को करना शुरू किया, उन्हें 25 डेज तक काम को किया, देन उसके बाद 35 लोग और आ गए, तो एक्स तो थे ही ना, 35 पर्सन और आ गए, तो टोटल कितने हो गए, एक्स प्लस 35 हो गए ना, और उनने कितने दिन काम किया है, 10 दिन किया है। तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन एक्स आदमी 25 दिन यहां पर काम किए इंडिविजुअली, और उसके बाद इन 35 लोगों के साथ भी एक्स ही आदमी थे 10 दिन तक, तो टोटल जो एक्स आदमी है 25 और 10, 35 दिन काम किए हैं एक्स आदमी, समझ में आ रही बात। तो एक्स पर्सन टोटल 35 दिन काम किए, इस चीज को समझना कि एक्स पर्सन या एक्स मैन टोटल 35 डेज वर्क किए हैं, क्लियर है। तो एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, तो एक्स आदमी एक दिन में एक्स ही काम करेंगे, तो 35 दिन में कितना काम हो जाएगा, 35 एक्स काम होगा। ये 35 एक्स जो काम है ये किसके बराबर होगा, रिमेनिंग जो वर्क है 700 के, तो 35 दुना 70, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20, क्लियर है। क्योंकि एक आदमी एक दिन में एक काम, तो एक्स आदमी एक दिन में एक्स काम, 35 दिनों में कितना करेंगे, 35 एक्स काम, तो यही रिमेनिंग काम है जो कि 700 आदमियों ने किया है, ठीक है, सॉरी 700 काम जो था रिमेनिंग है ना, जो कि एक्स आदमियों ने किया है, तो 35 एक्स की वैल्यू 700, तो एक्स की वैल्यू कितना 35 से कट कर दिया, 20 आ गया, तो आंसर जाएगा आपका 20। ये पूछा ना उनने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या है 20। कॉपी कीजिए, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क इन 6 डेज, ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ द वर्क इन 4/4 by 5 days, एंड बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट 55% ऑफ द वर्क इन 6 डेज, इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीट द वर्क। अब सबसे पहली चीज क्या है बेटा, कि यहां पर कहता है ए बी सी जो है वो तीनों मिलकर के 3/4, मैंने आपको कई बार बात सिखाई है कि जैसे ए बी सी है वह 3/4 वर्क को कर रहे हैं 6 डेज में, इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग ये है कि अगर टोटल एक काम है तो उस एक काम का 3/4 भाग वो 6 दिनों में कर रहे हैं, या ये इसको दूसरे तरीके से ये कह सकते कि 4 में से 3 काम 6 दिन में, तो 4 में से 3 काम 6 दिन में, तो 1 काम 2 दिन में, तो 4 काम 8 दिन में, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं हमेशा आपको फ्रैक्शन की इंपॉर्टेंस ही समझाता हूँ, कहीं पर भी फ्रैक्शन लिखा है कि जैसे 3/4 ऑफ द वर्क, ठीक, या टोटल वर्क, 3/4 ऑफ टोटल वर्क, इसका मीनिंग क्या हो कि अगर टोटल काम 4 है तो उसमें से 3 काम हो गया है, बचा 1 है ना। तो फ्रैक्शन क्या बताता है कि 4 में से 3, फ्रैक्शन हमेशा क्या बताता है बेटा, 4 में से 3, तो 4 में से 3 काम हुआ 6 दिन में, तो 3 काम 6 दिन में, तो 1 काम 2 दिन में, तो 4 के 4 काम 8 दिन में हो जाएगा। तो फ्रैक्शन की मीनिंग समझिए आप, अगर आप फ्रैक्शन की मीनिंग समझ पाएंगे तो बहुत ही आसानी से आपकी कैलकुलेशन हो पाएगी। बेटा क्या था फ्रैक्शन की मीनिंग, ए बी सी जो है वह 3/4 कर रहे हैं 6 डेज में,
फोर्थ का मीनिंग चार में से तीन काम 6 दिन में, तो एक काम 2 दिन में, तो चार काम 8 दिन में। क्लियर है? एबीसी का 8 डेज आ गया। आगे कहता है कि ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 2/5। ए एंड सी जो है 2/5 ही काम कर रहे हैं। कितने दिनों में कर रहे हैं? 4 4 by 5, तो 2/5 वर्क ये कर रहे हैं। 4 4 by 5, जिसका मीनिंग क्या है? 5 4 = 24, 5 4 = 20 + 4, 24/5 days। क्लियर? तो 2/5 का मीनिंग क्या था? 5 में से 2 काम इतने दिनों में, तो 2 काम इतने में, तो 1 काम 2 से काटा इसको, 12 दिनों, 12/5 दिनों में, तो 5 काम, 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 12 आ जाएगा, तो पूरा 1 वर्क है ना, ये क्या हो जाएगा 12 डेज में। ठीक है? ठीक। नाउ चाहो आप तो सीधे ही उल्टा कर दिया करो, हमको एक चाहिए ना, ऐसे भी कह सकते इसको कि 3/4 काम 6 दिनों में, तो 1 काम 1 निकालना है उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं, तो 8 आ जाएगा। यहां पर सेम कहानी, 2/5 काम, 2/5 काम 24/5 दिन में, तो 1 है ना, 2/5 वर्क, ये वर्क था ना, ध्यान देना है, वर्क है 2/5 वर्क, तो 1 वर्क 24/5, ये उधर जाके उल्टा हो जाएगा, 5/2, 5 से 5 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 12 डेज। क्लियर? जो भी करना चाहें आप बेटा, दोनों ही तरीके आपके सामने, और ये दोनों ही तरीके मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। क्लियर? आगे कहता है, ये एबीसी का आ गया देखो जरा, और ये ए और सी का आ गया। ठीक। आगे कहता है, एंड बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट 55% ऑफ द वर्क इन 6 डेज। ठीक। तो बी एंड सी जो है वो 55% कर रहे हैं। 55% का मतलब होता है 55/100, 5 से काटेंगे 11, 5 से काटेंगे 20, 11/20 वर्क जो है वो 6 डेज में कर रहे हैं। ठीक। तो 1 डे 1 वर्क कितना हम करेंगे? 6 × इसको उल्टा कर दिया करिए, 20/11, तो कितना हो जाएगा? 120/11 डेज। अभी सिखा करके गए हम, समझ में आया? तो यहां से बी और सी जो है पूरा काम करेंगे। 1 मीन्स 1 वर्क का मतलब क्या होता है? पूरा काम। 1 वर्क को हम टोटल वर्क ज्यूम करते हैं, ठीक है ना, कई बार, क्योंकि हम एक काम को ही टोटल वर्क करते हैं ना, एक में से तो कुछ होता है। तो बी एंड सी जो है टोटल काम या 1 वर्क 120/11 डेज में करेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई? आप इतना कॉपी कीजिए, फिर मैं इसको क्लीन करके आपको अलग से पूरा डेटा कैलकुलेट करके देता हूं। ठीक है? स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कॉपी कीजिए बेटा। तो देखो जरा ध्यान से, अब आपके पास डेटा क्या क्या आया है? एबीसी 8 दिनों में, ए और सी 12 दिनों में, ठीक है, और बी और सी 120/11। ठीक। मैं यहां लिख देता हूं शॉर्ट में, एबीसी 8 दिनों में, ए एंड सी 12 डेज में, और अपना बी एंड सी 120/11 डेज में। क्लियर? चलिए क्लीन कर दूं, या तो हम एलसीएम को टोटल वर्क मानते हैं या 1 वर्क को टोटल वर्क ज़ूम करते हैं, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट मैंने पहली क्लास में सिखाया था बेटा। जिन लोगों के डाउट हो रहा है कि सर हम कभी कुछ मान लेते हैं कभी कुछ, वो आप पहला वीडियो जरूर देखिएगा, हर एक बच्चे का डाउट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में मैंने हर एक बात एक्सप्लेन की है। क्लियर है? देखिए जरा ध्यान से, तो यहां से ए बी एंड सी मिलकर के 8 दिनों में काम को पूरा करते हैं, ए एंड सी मिलकर के 12 दिनों में, और बी और सी मिलकर के 120/11 डेज में। क्लियर है? हमें किसका चाहिए था? इन हाउ मेनी डेज सी अलोन, सी का निकालना है बेटा। तो कैसे निकालेंगे सी का? सबसे पहली चीज, इन तीनों का एलसीएम, और एलसीएम मैंने कहा था कि जब भी कभी टाइम एंड वर्क में डिनोमिनेटर में कोई नंबर उसे छोड़ दिया करे, तो 120 12/8 का एलसीएम, तो देखो 12 से भी 120 कट रहा है, 8 से भी कटा, तो 120 आपका एलसीएम आएगा, जिसे हम टोटल वर्क मानते हैं। क्लियर? अब 8 से डिवाइड कीजिए, 8 दिन में 120 काम, तो 1 दिन में कितना? 8 से डिवाइड करेंगे 15 वर्क, 12 से डिवाइड किया 10 वर्क, इससे डिवाइड करें तो 120 से डिवाइड किया 1 1 × 11 11, ये समझा चुका हूँ कई बार। तो देखो जरा, अब मुझे सी का चाहिए, तो सी कैसे निकालू? तो मैंने दिमाग लगाया कि अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो यहां से मुझे निकलेगा a+b+2c, निकलेगा, तो 10 और 11 21 हो गया।
और एबीसी आपका दिया ही है 15, तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस टू सी से ए बी एंड सी माइनस करूं तो सिर्फ सी निकलेगा ना, तो ए प्लस बी प्लस टू सी कितना है वाला 21 माइनस ए बी सी कितना 15, तो यहां से सी निकल कर आ गया कितना आएगा सी 6 वर्ग, ठीक है 6 वर्ग इन वन डे है, 6 वर्ग इन वन डे है सी का। सी अगर एक दिन में 6 काम तो 120 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 120/6, 20 डेज में सी काम को पूरा कर देगा। क्लियर, तो इसका आंसर जाएगा 20 डेज। होपफुली सभी को समझ में आया होगा, कॉपी कीजिए। क्लियर है, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, जल्दी मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक आप ये रिमेनिंग सारे क्वेश्चंस को क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, चलिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।